एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर लेके आए हैं जो अपना का जानम बेहद जरूरी है। काहे कि आज मोबाइल जो है हमारे अपना खातिर आम हो गया है और मोबाइल के उपयोग के बिना जीवन के कल्पना नहीं कर सके। ऐसे मोबाइल के उपयोग के चलते कबो कबो छोट छोट ऐसा गलती हो जाती है जो उन्हें के लापरवाही से बड़ा नुकसान हो जाता है। अक्सर अपना देखत हो कि मोबाइल रहता है डिस्चार्ज होता है अपना जहाँ तहाँ जाए के चार्ज में लगा देते हैं। ऐसा एक व्यक्ति और सोचिस जो भारत के निवासी आए और वह चार्ज लगाइस मगर हैकर्स के द्वारा वह चार्जर माँ जो फोन लगा रहा उसे 16 लाख रुपया उड़ा लीट गए। विदिशेत के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद सावधान करे वाली सतर्क करे वाली खबर के जहां पर चक बता दी कि ए दिन आप मोबाइल के बिना जीवन में सांस ले जितना जरूरी हो गया है उतने मोबाइल की जरूरत थी। बता दी कि मोबाइल के बिना लोगन के जीवन अधूरा सा है, ओके बिना लोगन के कोनो काम नहीं हो। मोबाइल में लोग इतना खोए हैं कि उनके आसपास के चीजन माँ जो है ध्यान को नहीं दे जिसके कारण से कई एक बे वह अनहोनी के शिकार हो जाते हैं। मोबाइल के बहुत सारे साइड इफेक्ट है जे का सावधानी से ना इस्तेमाल किया जाए था एकर खामियाजा भुगते का पड़ सकत है। जेकर एक ताज़ा मामला हैदराबाद की कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी के साथ हुआ जेके द्वारा सरेआम मोबाइल चार्ज करब काफ़ी भारी पड़ गया। अपना प्रोजेक्ट बताया दी एक कंपनी के सीईओ का यह कीमत चुकावे पड़ी है। वो जो है सार्वजनिक स्थान पर यूएसबी पोर्ट के जरिए अपने मोबाइल का चार्ज कर रहे हैं लेकिन देखते देखत हैकर्स के द्वारा उनके अकाउंट से 16 लाख रुपये गायब कर दिए गए जिसके बाद उनके द्वारा अपन शिकायत साइबर सेल कर किए गए। ऐसे बढ़त अपराधन का देखत किन आरबीआई के द्वारा 1 अक्टूबर से अपने नियमन में बदलाव किए गए। केवल इतने नहीं उड़ीसा पुलिस के द्वारा यह मामला मां ट्विटर करत किन लिखा गया है कि अपने मोबाइल को पब्लिक प्लेस जैसे मोबाइल चार्जिंग स्टेशन या यूएसबी पावर स्टेशन पर चार्ज ना करें। साइबर फ्रॉड मोबाइल से आपकी पर्सनल जानकारी चुराने और मालवेयर जो है इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना प्रोजेक्ट बता दी यही से जुड़ा मामला कुछ समय पहले नई दिल्ली में सामने आ रहा जो एक महिला साइबर क्राइम के शिकार हो गई रही। दरअसल जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने फ़ोन का जो है मौजूदा यूएसबी चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज लगा के अपने फ़ोन का चार्ज करें जिसके कुछ घंटा बाद एक मैसेज उनके फ़ोन में आबा और लिखा रहा कि उनके बैंक अकाउंट से 1,20,000 निकाले गए जिसके बाद महिला के द्वारा साइबर सेल में यह बात की शिकायत कह दी दिन गए। बता दें कि आजकल जो है अपने पैसा के ट्रांजैक्शन जो है घर बैठ के आसानी से मोबाइल ऐप के जरिए लोग कह देते हैं जिसके कारण साइबर अपराध जैसा जो साइबर अपराधी हैं उनका बढ़ावा मिल रहा है। साइबर अपराधी लोग बैंक के खाता से पैसा चुरावे में एक्सपर्ट हो चुके हैं और अपना के बिना जानकारी लगे अपना के खाता से पैसों निकाल लेते हैं। जरा सी चूक जो है अपना का बेहद महंगी पड़ सकती है। इसके अलावा लोग सार्वजनिक स्थानों पर फोन का चार्ज कर लेते हैं जैसे साइबर फ्रॉड आसानी से अपना के फोन के डेटा हैक कर लेते हैं। तो यह रही बेहद जरूरी सावधान करे वाली सतर्क करे वाली खबर। अमूमन अपनों के आदत हुई कि जहाँ पाई थे वहीं चार्जर माप यदि अपना का पिन कहाँ दिखा तो वहीं खोस देते और खोसे के बाद अपना के का हुई या शायद अपना कल्पना नहीं कह सकी। और वह भाई एक कर्मचारी के साथ जो महज एक चार्जिंग खीतिर फोन तो लगाए रहा लेकिन ओकर परिणाम वह निकला जौन परिणाम जाने के बाद शायद वह अव्यवस्थित होएगा। तो एक मोबाइल जो है या एक कहा जाए एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में एक ऐसा वस्तु आए जो जिम्मेदारी से यदि ओका नहीं रखागा नहीं संभालागा तो वह फिर अपना के बेहद बड़ा नुकसान कह सकता है। यह खबर के बारे में अपना की कार आए है अवश्य बताऊँ तो आप अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।